गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फोर क्लास फिफ्थ. दिस इज योर सेवन लेक्चर ऑफ एट चैप्टर ऑफ इंग्लिश फर्स्ट. आपका चैप्टर नेम क्या है? एलिस एंड द कैटरपिलर. ओके, हमारा लास्ट लेक्चर में हमारा क्या हुआ था, हमने आपको वर्कबुक बताया था और शायद आपने कंप्लीट भी कर लिया हो. अब आइए आप पेज नंबर 71 पे हमने क्या बताएंगे आपको, मैनी मच अ लॉट ऑफ का यूज हम कहाँ करते हैं. ओके, देखिए मैनी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन. मैनी का यूज हम काउंटेबल नाउन में करते हैं इन द प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म में. वेयर एज मच इज यूज द अनकाउंटेबल नाउन. मच का यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन में. मच इज स्पेशली यूज इन क्वेश्चन एंड निगेटिव सेंटेंसेज. मच का यूज हम कब भी कर सकते हैं, जब हमारे क्वेश्चन हों और निगेटिव सेंटेंस हैं. ओके, अ लॉट ऑफ कैन बी यूज विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. और अलॉट ऑफ का यूज हम कब करते हैं, जब हमारा चाहे वो काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, तो हम उसका क्या यूज करते हैं, मैन अलॉट ऑफ. ओके, वो दोनों कंडीशन में हमारा अप्लाई होता है. अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ए फ्यू फ्यू ए लिटिल एंड लिटिल. ओके, वर्ड्स लाइक फ्यू ए फ्यू लिटिल ए लिटिल में सीम सिमिलर. ये सभी चीज़ हमें कैसी लगती हैं, सिमिलर लगती हैं, बट दे आर डिफरेंट मीनिंग. पर इनके जो होते हैं वो मीनिंग कैसे होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं. ओके, देखिए देयर आर ए फ्यू फ्यू एप्पल लेफ्ट सो वी डोंट नीड टू वाई मोर राइट वे सम ए स्मॉल नंबर. मनु हैज फ्यू फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ हिज बैड टेम्पर. नॉट मैनी हार्डली एनी. वी हैव ए लिटिल टाइम बिफोर ग्रैंड मा अराइव्स लेट्स बेक हर ए केक सम अ स्मॉल अमाउंट. ओके, इफ यू अ लिटिल इफ यू यूज वुड काउंटेबल नाउन. जो हमारे ए फ्यू और अ लिटिल यूज हमारा होता है, मीन्स होता है हमारा सम. इसके मीन्स हमारा क्या होता है, सम. इफ यू इज ए यूज विद काउंटेबल और प्लूरल नाउन में. एंड ए लिटिल हमारा होता है विद अनकाउंटेबल नाउन में. बी यूज फ्यू एंड लिटिल व्हेन वी मीन हार्डली या हार्डली एनी होता है, तब हम यूज करते हैं आपका फ्यू और लिटिल यूज करते हैं. ओके, अब आपका क्या है, इसी रूल पे बेस्ड अब आपका है ये एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ए फ्यू फ्यू लिटिल लिटिल कब हम यूज़ करते हैं, और आपका ये एक्सरसाइज आपको अपनी होमवर्क में करनी है. ओके, टर्न योर पेज. अब हमारा देखिए क्या आता, आइदर नाइदर एंड बोथ. देखिए सर आस्क इफ सी could meet either of any grandparents was neither of them was well. Which color do you like, black or white? I like either. You like both, don't you? Okay, we use either neither or both when we talk about two people or thing. हम either neither or both का use कब करते हैं, जब हम दो लोगों या दो मतलब चीज़ के बारे में बात करते हैं. either means one or the other of the two. either means क्या होता है, either means क्या होता है, one और या other of the two. neither means not one or the other of the two people of thing. neither means ना तो और ना ही दो ऑफ चीज़ें ये आपकी होती हैं. ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया either और neither क्या होते हैं और both का हम कब यूज़ करते हैं. उसी पे बेस्ड आपकी ये एक्सरसाइज है, ये आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और ये आपका होमवर्क है. ओके, थैंक यू क्लास.